नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने अभी से रिकॉर्ड बना लिया है। यह फिल्म अमेरिका की 888 से भी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। बता दें, शाहरुख खान की जवान को 850 स्क्रीन मिली थी, वहीं रणबीर की ब्रह्मास्त्र 810 स्क्रीन पर दिखाई गई थी। एनिमल इतने बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म में रणबीर कपूर खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म की कहानी बाप और बेटे के रिश्ते के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। ट्रीजर में बॉबी देओल भी बड़े खतरनाक लुक में दिख रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर और साउथ की स्टार रश्मिका मंदाना पहली बार साथ काम करते दिखेंगे। यह फिल्म संदीप रेड्डी वांगा ने बनाई है। एनिमल 1 दिसंबर को थिएटर्स में 5 भाषाओं में रिलीज होगी। बता दें, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर भी एनिमल का टीजर दिखाया गया था। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन एरिया का पॉपुलर चौराहा है। ये दुनिया की सबसे बिजी पेडेस्ट्रियन में से एक है, जहां अनगिनत संख्या में डिजिटल होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये एरिया हमेशा जगमगाता रहता है। अमेरिका में इसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मेजर सेंटर भी माना जाता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रणबीर कपूर के एनिमल क्या कमाल दिखाती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।